खरगोन के गुरुजी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के साथ ही खरगोन जिले में भी अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जिला पंचायत कार्यालय में रैली निकाली जो जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची। इस दौरान गुरुजनों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यापकों के संबंध में कई घोषणाएं की, जिसमें शिक्षा विभाग, मातृत्व अवकाश, स्थानांतरण नीति सहित सभी घोषणाओं के आदेश जारी किए गए, लेकिन गुरुजनों को आज दिनांक तक वरिष्ठता का आदेश जारी नहीं किया गया। वरिष्ठता न मिलने से गुरुजनों का 10 से 15 हजार रूपए प्रति माह नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग है कि हम वरिष्ठता के लिए 2001 से और 2 से लगभग हम नियुक्ति दिनांक से 1997 से लगत प्रयासरत हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री निवास पर 21 जनवरी 2018 को शिक्षा विभाग के अध्यापक सम्मेलन में यह कोट करके घोषणा की थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई और मेरा वचन पत्थर की लकीर है। तो हम उनको उनकी घोषणा की याद दिलाने के लिए उन्होंने जो वरिष्ठता क्रम की घोषणा की थी 21 जनवरी 2018 को सब पूरा करें और हमारे भारत की भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि जब जब किसी राजा ने वचन दिया है तो अपना वचन निभाया है। तो हम आशा करते हैं कि मामा जी हमारा वचन निभाएंगे और गुरुजियों को वरिष्ठता क्रम की घोषणा जल्दी करेंगे। जैसा कि मैं उनसे मांग करता हूं कि हम लोगों को अभी तक हमारा 10 से 15 हजार रुपए महीने का नुकसान है और मध्य प्रदेश में आज की तारीख में कोई कर्मचारी वर्ग शोषित और पीड़ित है तो सिर्फ गुरुजी सवर्ग ही है। गुरुजी सवर्ग ने अपनी योग्यता से जो आज कुछ पाया है, हमारी 11 साल की सेवाओं के बाद हमारी 2008 में 97 के बाद 2008 में हमारी पात्रता परीक्षा ली गई। पात्रता परीक्षा के बाद हमें संविदा बनाया गया, जबकि मुख्यमंत्री जी ने मंच से घोषणा की थी कि मैं आपको एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना है और आपको अध्यापक बनाया जाएगा। और मुख्य मांग हमारी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता है, हमें या तो पेपर सीनियरिटी दे दें और वर्तमान से हमें हमारे सारे लाभ दिए जाएं, यही हमारी मुख्य मांग है। अगर 30 सितंबर तक सरकार हमारे संयुक्त मोर्चा के प्रदेश प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए या कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती शासन प्रशासन की तरफ से, तो 30 सितंबर के बाद हमारा जो प्रदेश स्तरीय संयुक्त मोर्चा आगामी जो आह्वान करेगा, जो रणनीति बनाएगा, हम उसके लिए 30 सितंबर के बाद सड़क से सदन तक अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में मैं रामकरण यादव, जिला संयोजक, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।